आसंता दुई दिन राज्य में जारी रन कुहुड़ी चौबीस घंटापी दस जिला को येलो वार्निंग जारी तो चल देखने संपूर्ण अपडेट टी कौन रही आसंता दुई दिन पर्यंत राज्य में जारी रन कुहुड़ी उपकूल ओडिशा समेत अभ्यंतरीण ओडिशा अधिकांश जिले में घन कुहुड़ी आस्तरण नहीं सतर्कता जारी आज घन कुहुड़ी दस टी जिला को सतर्कता जारी बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगत सिंहपुर मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा को येलो अलर्ट जारी से भाई चार तारीख में घन कुहुड़ी नहीं छह जिला को येलो अलर्ट जारी आज सुधा सका साढ़े आठटा सुधा उत्तर अभ्यंतरण ओडिशा किसी जिले में हालुका वर्षा होवार संभावना रही वर्तमान राज्य में कौन पाणीपाग नियामक तापमात्रा रे कौन परिवर्तन होवार संभावना ना तो चलन देखा परवर्त अपडेट कौन रही केन्द्र कर्मचारियों को यही दिन में मिल 50% डीएर लाभ तो चलन देखने संपूर्ण अपडेट टी कौन रही यदि आपड़ जड़े केन्द्रीय कर्मचारी तेज यही खबर आपण विशेष होपे सरकार द्वारा डीए निश्चित वर्तमान कर्मचारी मैंने 50% डीए पाइबे सूचना अनुजाई डीए 50% निश्चित होता इंडेक्स रे किसी ह्रास रेकर्ड किंतु यह सत्वे डीए उपर कौन प्रभाव पड़बना डीए 50% अतिक्रम कर डिसेम्बर में ए आई सी पी आई सूचकांक ह्रास पाई केन्द्रीय कर्मचारी प्रवर्तन जनवरी 1, 2024 रु 50% हार डीए प्रदान हो डिसेम्बर तथ्य दर्शाऊँ सेप्टेम्बर में सूचकांक संख्या 0.3 पॉइंट ह्रास पाई 138.8 पॉइंट पहुंची एथर डीए आकलन में कौन विशेष परिवर्तन होबना डीए 50% अतिक्रम करते डीए 50.28% परिणत हो किंतु सरकारी 0.5 तले रही तेणु डीए 50% पहुंची यह 4% वृद्धि पाई चलित वर्ष निर्वाचन हेतु सरकार एक बड़ घोषणा करें डीए वृद्धि ने निष्पत्ति केन्द्र कैबिनेट बैठक में नि आशा कर सरकार मार्च अर्थात होली डीए घोषणा करपारंतु यार लाभ जनवरी 1, 2024 रु उपलब्ध हो तो चलन देखा परवर्त अपडेट कौन रही ई श्रम खाता को आसूची 1000 टंका मागणारे आवेदन कर उठातु लाभ चलन देखा संपूर्ण अपडेट टी कौन रही गरीब श्रमिक परिवार केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा परिचालित योजना गुड़िकु श्रमिक योजना अन्यतम यही योजना अधीन ई श्रम कार्ड बाहर करने निहाती आवश्यक जहाद्वारा कि आर्थिक दृष्टि दुर्बल श्रेणी लोके अनेक लाभ पाई तेरे यह घरे बस व्यवहार करें तेज यह कि घर रही व्यवहार करेंगे चलत ता जाणी आर्थिक दृष्टि दुर्बल विभाग सरकार ई श्रम योजना आरंभ कर अधीन प्रतिमास हिताधिकारी बैंक अकाउंट को 500 रु 1000 टंका आसे तो चलन देखने केमी आपण मैंने पंजीकरण करेंगे तो प्रथम ई श्रम पोर्टाल निजक पंजीकरण करने को ऑफिशियल वेबसाइट को जातु www.ishrama.gov.in को जातु और रजिस्ट्रेशन विकल्प उपर क्लिक करूँ तीन नंबर में पंजीकरण पर एक फर्म रही क्लिक करूँ चार नंबर में फर्म पूरण करने परवर्ती प्रक्रिया संपूर्ण करूँ पांच नंबर में आधार नंबर सहित संयुक्त मोबाइल फोन नंबर प्रवेश करूँ यापर ईएसआईसी स्थिति ईपीएफओ एवं कैप्चा कोड दिंतु यापर फोन रे ओटीपी आसीबो एहाकु दियंतु तापरे पंजीकरण फॉर्म रे पचरा जायथिबा समस्त तथ्य पूरण करंतु तापरे डॉक्यूमेंट गुडी को वेबसाइट रे अपलोड करंतु एवं तापरे दाखल बटन उपरे क्लिक करंतु एही उपाय रे आपण निजकु ई श्रम पोर्टल रे पंजीकृत करिबारे समर्थ हेबे एवं एहार लाभ मध्ये उठाई परिबे तो समस्त शीघ्र जाई एहाकु पंजीकरण करंतु एवं एहार लाभ उठांतु चलन देखिया परवर्ती अपडेट कोन रहिछि फसल नष्ट क्षतिपूरण देवे सरकार एति टंका मिल तो चलन देखने संपूर्ण अपडेट टी कौन रही तो गणमाध्यम रिपोर्ट अनुजाई 2023 जुलाई 30 रे गोटे दिन में 48.50 लाख रु अधिक फसल बीमा पंजीकरण सहित पीएम फसल बीमा योजना रेकर्ड सृष्टि करता प्राकृतिक विपर्यय फसल को रक्षा करने कृषक मैंने निजक पंजीकृत करवा उचित या व्यतीत पंजीकरण प्रक्रिया चली पंजीकरण करने को आपण pmfpy.gov.in नामक ऑफिशियल वेबसाइट को जीवा को पड़ी जहाँफल आपण मैंने आवेदन करेंगे पीएम फसल बीमा योजना दाबी करने कृषक मानक 72 घंटा मध्य क्षय क्षति संपर्क में कृषि विभाग को जाना पड़ो यापर आपन को आवेदन करने को पड़ो एपणक पड़ो जे आपण फसल केते क्षेत्र में नष्ट एपंक समस्त संबंधी सूचना देवाक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजन दाबी करने को आपण बीमा पॉलिसी एक नकल थी आवश्यक तो चलन जाणी ना फसल बीमा योजन फीचर गुड़िक कौन कौन रही कृषकों पर सर्वनिम्न हार स्थिर करपरिक खरीफ फसल 2% और अन्न्य फसल 15%
ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ପରେ କୃଷକମାନେ ସ୍ଥିର ବୀମା ରାଶି ପାଇପାରିବେ। ଫସଲ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସଠିକ ଆକଳନ କରିବାକୁ ଅନେକ କୌଶଳ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଦାବିଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ଅଂଶଧୀନକାରୀ ଏବଂ କୃଷକମାନେ ଭଡ଼ା ଉପରେ କ୍ଷେତ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦମଦାର ଯୋଜନା, ମାସକୁ ମିଳିବ 3000 ଟଙ୍କା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଯୋଜନାର ନାମ ହେଉଛି PM ଶ୍ରମୟୋଗ ମନଧନ ଯୋଜନା, ଏହି ଯୋଜନାରେ ମାସକୁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି ଆପଣ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ। PM ଶ୍ରମୟୋଗୀ ଜନଧନ ଯୋଜନାରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ହେଲେ ବୟସ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ହେଲେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ 18-40 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶେଷ କରି ସରକାର ଅସଙ୍ଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ଶ୍ରମିକ 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହି ଯୋଜନା ଉପରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିମାସ 55 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏପରି ଆପଣଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ପରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିମାସ 3000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ଆକାରରେ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନା ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ପରିଚୟ ପତ୍ର, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ନିଜ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭଳି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ PM ଶ୍ରମୟୋଗୀ ମନଧନ ଯୋଜନା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛାବଛ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।